हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और मैं बनाने वाला हूं आपके लिए केमिस्ट्री एकदम इजी, राइट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में, राइट। ये हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था। तो जे जे थॉमसन ये चाहते थे थोड़ा बहुत और पता करें डिटेल, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में और डिटेल पता करने चाहते थे, बट एट दैट टाइम जो साइंस थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, वो तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता करना चाहते थे, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है ये भी पता करना चाहते थे, लेकिन वो ये चीज नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा, भाई हम एग्जैक्ट मास और एग्जैक्ट चार्ज ना पता कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, हम उसका रेशियो तो पता कर सकते हैं। तो यही सोच के साथ में जे जे थॉमसन ने E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया देखते हैं। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और हर बार की तरह यहां पर भी उन्होंने क्या यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन गन आप लोगों ने कभी देखी है, नहीं देखी है हम बताएंगे आपको कहां दिखेगी। किसी आप जो टीवी रिपेयर की दुकान पर चले जाए जहां पर पुरानी टीवी आपको सीआरटी वाली दिखती होगी, है ना, पीछे आपको बहुत सारे कॉइल्स वगैरह दिखते होंगे, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जनरेटर है। कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि जब पुराने जमाने में टीवी आती तो उसको स्विच ऑन करते थे, 2 मिनट सिर्फ सेंटर में ही स्पॉट आता था, है ना, स्विच ऑफ करने के बाद भी सेंटर में ही स्पॉट आता था, राइट। तो वो जो पीछे लगा हुआ कॉइल जैसा स्ट्रक्चर, वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन जनरेटर होता है, राइट। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जनरेटर है और आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन जनरेटर है ये किस पर, ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेटर का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करना, है ना। तो मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो रही है, मान लिया हमने, ठीक है। और ये जो इंटेंसिटी है बीम की ये किस पर डिपेंड करेगी, ये 2 चीजों पर डिपेंड करेगी, एक आपने कौन सा मटीरियल यूज किया है, दूसरा आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जैसे थॉमसन ने किया क्या कि यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया, ओके, और हर बार की तरह यहां पर भी क्या लगाया इन्होंने, यहां पर भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, ताकि जो इलेक्ट्रॉन कहां पर स्ट्राइक कर रहा है ये इसको डिटेक्ट कर पाए, ओके। तो मान लीजिए कि अभी यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और हमने यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए, तो ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रेट लाइन में निकलेगा और यहां पर मान लीजिए जाके स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट ए पॉइंट पर यह स्ट्राइक कर रहा है, अग्री, बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या किया, एक बार यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिवली चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव, है ना, रिफ्लेक्ट होगा। तो मान लीजिए यहां से ये रिफ्लेक्शन शुरू हुआ, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे थे तो थोड़ा रिफ्लेक्शन सफिशियंट एनफ है उसको दूसरे पाथ पर स्ट्राइक कराने के लिए। यहां मान लीजिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हुआ और वो जाके स्ट्राइक कर रहा है बी पर, ठीक है। सिमिलरली दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वहां पर जो डिफ्लेक्शन मान लीजिए कहां जा रहा है, रिफ्लेक्शन मान रहा है जा रहा सी पॉइंट पर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार लगा के देखिए, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखिए। अब सवाल ये आता है कि भाई आखिर ये डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंडेंट होगा, 2 चीजें सोचिए, खुद से सोचिए। देखिए रिफ्लेक्शन डिपेंडेंट होगा एक नंबर वन कि कितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर, ज्यादा चार्ज होगा ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, पहली बात हो गई। दूसरा हो गया मास, मास कम होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, मास ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना, मोमेंटम वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो और तीसरी चीज किस पर डिपेंडेंट करेगी कि कितना इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो ये 3 चीजें हैं जो कि डिटरमाइन करेंगी या जो गवर्न करेंगी कि किन किन चीजों पर ये डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा। तो एक बार लिख लेते हैं जल्दी से, जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन
नंबर वन, एक तो होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, जिसको कि हम ई और एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल बात है भाई, देखिए अगर चार्ज ज्यादा है ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, मास ज्यादा है ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और इनकी वैल्यूज भी गवर्न हो रही है या इनकी वैल्यू भी ये चीज डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो हमें करना क्या था, जेसी थॉमसन ने किया क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आपको पता चला कि ये मूवमेंट होगा टुवर्ड्स बी, ठीक है। तो अब इसको रेगुलेट करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रेगुलेट करेंगे सच दैट ये रिफ्लेक्शन वापस से ए पॉइंट पर लेके आए। इन द सेम वे जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सपोज यहाँ पर सी पर था, तो इन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से रेगुलेट किया कि ये वापस से ए पॉइंट पर आ जाए। क्या ये पॉइंट समझ में आया? पहली बात क्या हुआ, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डिफ्लेक्शन था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस तरीके से रेगुलेट किया गया ताकि वो वापस से ए पॉइंट पर आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा किया गया, उसको रेगुलेट किया गया ताकि वापस से वो ए पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस तरीके से फाइंड आउट किया कि जो ई बाई एम है, ई बाई एम है वो डिपेंड किस पर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर। तो ये ई और एच तो आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आर क्या है, R is the radius of curvature of the path। तो जैसे मान लीजिए ये radius of curvature हो गया, ये particle move कर रहा है, तो ये radius of curvature, क्योंकि ये curved path में move करेगा, तो उस curved path का जो radius होगा, that is represented by R, radius of curvature, radius of curvature, और curved path कह लीजिए, curved path moved by, या covered by इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जे थॉमसन एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू तो नहीं निकाल पाए, एग्जैक्ट मास की वैल्यू तो नहीं निकाल पाए, लेकिन इस मेथड से उन्होंने बेसिकली क्या निकाला, ई बाई एम, चार्ज बाई मास रेशियो उन्होंने निकाला, और उन्होंने पाया कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.758 × 10⁻¹⁷ कूलम पर केजी, है ना। ये इन्होंने वैल्यू फाइंड आउट की, इन्होंने वैल्यू फाइंड आउट की, जो E बाई एम रेशियो है उसकी वैल्यू है 1.758 × 10⁻¹⁷ कूलम पर केजी। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत के बाद जे जे थॉमसन ने ये फाइनली E बाई एम रेशियो फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, तो आई होप आपको E बाई एम रेशियो बहुत ही आसान लगा होगा, और ये सच में आसान है भी, खाली दो ही चीजें तो करनी है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डिफ्लेक्शन था, एक बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ में डिफ्लेक्शन था, आपको पता ही है अगर इन दोनों चीजों को हम रेगुलेट करेंगे तो हम वापस उसको सेंटर पॉइंट पर ला सकते हैं। तो ई की वैल्यू पता होगी, एच की वैल्यू पता होगी, ये रेडियस पता होगा, इस फॉर्मूले में आपको रखना है सिंपली, और आपको मिल जाएगा ई बाई एम रेशियो जो की था 1.758 × 10⁻¹। ओके, तो अगर आपको ये E by M रेशियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।